नेमार को क्या हो गया मुझे समझ नहीं आया, नेमार को क्या हुआ? उसमें इतनी मैच शार्पनेस कब, कहां से कब, क्या हुआ? ऐसी कौन सी रिडेम्पशन आर्क चल रही है मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं, कोई ब्रेकअप हो गया उसका मुझे पता नहीं। इतना मैंने कभी नेमार को किसी गेम में भागते हुए नहीं देखा, मैंने कभी किसी गेम में रिसेंट टाइम में, एटलीस्ट 2 साल में पिछले, नेमार को किसी गेम में इतना इन्वॉल्व थ्रू आउट 90 मिनट्स नहीं देखा मैंने। प्रॉपर कंसिस्टेंसी वही स्किल्स में, वही इफेक्टिवनेस में, हाँ गिर रहा था, हाँ फाउल जरूर थे, वो सब बकचोदी, थोड़े ड्रामे इधर, बट नहीं कंट्रोल उसके बाद भी ठीक है। लॉन्डो को मेडल पहना रहा है, प्रॉपर इन्वॉल्व है, गेम शार्पनेस कती कतल, आई थिंक वाओ, इजी है, पीएसजी आर बैक। ऑब्वियसली मैं वो डिस्कशन नहीं करने वाले, अगेंस्ट नन गेम थी ऑब्वियसली, तुमको पता है सुपर फ्रेंच सुपर कप, जो मुझे फर्क पड़ता नहीं। जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, क्योंकि मैं इस आर्क में था, मुझे खुद इंटरेस्ट है जानने में, क्योंकि मुझे फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हम गेम देख लेंगे मजे के लिए, फ्रेंच लीग की, वी डोंट केयर, चैंपियंस लीग की रातें हमें देखना क्या कर रही है पीएसजी, बट इन रातों में अगेंस्ट नॉन्थ ये सब बकचोदी, हम बेसिकली फ्रेमवर्क क्या ला रहा है क्रिस्टोफर गल्टी है, क्योंकि पिछली वीडियो में भौंका था कुछ, बट इतना कुछ क्लियर भौंका नहीं था, बताऊं तो वो वीडियो तो बड़ी फालतू थी, मैं एक्ट नहीं कर रहा। इस वीडियो में मेन गुदे पे आएंगे, क्योंकि कंटेंट मिल चुका है, परफॉर्मेंस दिख चुकी है कि ऐसे खेलती है, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है गाल्टियर का। अच्छा मेसी को ऐसे बॉल मिल जाएगी इनसाइड, वो ठीक है ठीक है। अच्छा मेसी सेंट्रल रहेगा, ओके ठीक है ठीक है। ओ पीएसजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिछले साल की वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस, टीम वर्टिकली कॉम्पैक्ट नहीं होती थी, ऐसे गैप्स होते थे, इस बार टीम काफी कॉम्पैक्ट है वर्टिकली, ओके ये कैसे पॉसिबल, इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिखने में आसान है, पॉसिबल कैसे, ऐसे कौन से स्टेप्स इनटेक कर रही क्रिस्टोफर गाल्टियर की पीएसजी इस 3-4-2-1 फॉर्मेशन में। जी हां देवी और सज्जनों, ये 3-4-2-1 है, इसमें ऑब्वियसली डोनाटेला एम्पेपर एम्बूबी नहीं था ऑब्वियसली, बट उसकी मैं सारा पढ़ाऊंगी तक, हाँ ठीक है, बट पॉइंट नहीं, वो आ जाएगा, वो जो भी बकचोदी, वैसे वो आएगा तो उससे एक ही फर्क पड़ेगा, मेसी को उसी को बॉल फीड करनी पड़ेगी, तो मेसी के नंबर्स कम होंगे गोल के, सिंपल यही होगा, यही होगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ वो कंट्रीब्यूट करेगा गोल में, वो सब बकचोदी, उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसका बाप भी करेगा, क्योंकि नेमार ने करी प्रेस 3-4-3 के 3-4-2-1 के स्ट्रक्चर में, नेमार कुत्ता की तरह लेफ्ट पे भागा है, इवन मेसी करिए, इवन मेसी काफी इंस्टेंसेस में इन्वॉल्व करती, बिल्कुल ये सब कैसे पॉसिबल, इंटरेस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस, अगर मुझे एक झुट खेलना है ऐसे, अगर मुझे एक झुट खेलना है तो फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टेंस में, क्योंकि भूल जाओ फॉर्मेशन, मुझे फॉर्मेशन ठीक है, फॉर्मेशन मुझे यहां पे वेराती ड्रॉप कर चुका है, उसे माकेजू ठीक है, जो भी बैक थ्री बना पड़ा है, किम्पेम्बे माकेजू ठीक है। अगर यहां पे सेंटर बैक ने डायरेक्टली इन बिटवीन लाइन प्लेयर को बॉल खेल दी, ठीक है, इन बिटवीन लाइन जो खड़ा है, ठीक है, और वो बॉल लूज हो गई, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस से क्वेश्चन तब आना चाहिए कि बॉल लूज करे तो कैसे रिएक्ट करेगा। पीएसजी की मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि पीएसजी डिफेंड नहीं कर पा, नहीं, पीएसजी जब बॉल लूज करती है उसके बाद डिफेंड नहीं कर पाती, क्योंकि एक्सपेंसिव होती है। अरे नेमार तो ट्रैक बैक करता नहीं, मेसी ट्रैक बैक करती नहीं, बाप वो ठीक है, उसको कम कैसे कर रहा है, पहली चीज बॉल ज्यादा चलाओ, ठीक है, तो पीएसजी बॉल ज्यादा चला रही है, पीएसजी का पूरा स्क्वाड टेक्निकल था, विटिनिया, वेराती बॉल लेगा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर एग्जाम्पल मेसी ये रहा, ठीक है, मेसी को कवर कर रखा है इस लॉन्डे ने, ठीक है अब इस लॉन्डे ने कवर कर रखा है, ठीक है, तो ये ढीठ है यहां पे खड़ा है, ये बॉल नहीं आने देगा मेसी पे, माके चूत ये नहीं आने देगा, तो वेराती करे क्या, वेराती अपने टेक्निक का यूज करे, उसको पुल करे, हल्का सा टाइम बाय करे, वो सब बकचोदी, उसे कहते हैं लापोजा, तुम गेम को थोड़ा पॉज कर दो, थोड़ा स्लो कर दो, ताकि ओपोनेंट को रिएक्ट करना पड़े और स्पेस ओपन, समझो वही बेसिक बात। तो बेसिकली अगर इतनी टेक्निक रखती है पीएसजी, वेराती एक जगह शो करके फिर डमी करके ऑब्वियसली बिल्कुल डायगोनल बॉल डालता है मेसी, दिस इज टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, जो पिछले साल भी थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट पीएसजी लुक मोर पेशेंट, पीएसजी और ज्यादा पासिस नहीं कर रही, पासिस उतना ही 600-700 करती है हमेशा, कोई बड़ी बात नहीं है, पीएसजी मोर पेशेंट विद द बॉल। इस केस में देखो मार्किनियोस के पास बॉल है, ठीक है, कुछ चिंता वाली बात नहीं, मार्किनियोस देख रहा करूंगा, ठीक है गैप है, क्या मैं ड्रिबल करूं, ठीक है, कोई ऑप्शन तो है नहीं ड्रॉप करने का, बट स्टिल क्योंकि पीएसजी का स्ट्रक्चर भोगता, और ये लिख लो पीएसजी का स्ट्रक्चर ये भोगता विद द बॉल, जो मैंने इस पूरी गेम में देखा, दो बंदे हमेशा बिटवीन द लाइन्स होंगे, चाहे विटिनिया मेसी हो, चाहे नेमार मेसी हो, चाहे नेमार विटिनिया, दो बंदे हमेशा बिटवीन द लाइन्स, एक ही ड्रॉप करेगा फ्री रोल, ये तीनों प्लेयर इनसाइड एरियाज में, कोई भी वाइड नहीं, वाइड में बस नूनम मेंटस हकीमी माकचूत, तो विड्थ तुमको दे दी, उसे बकचोदी तुमको पता है, इसकी इंप्लीकेशन क्या, इसका यूज क्या, इसका मतलब क्या, बाद में बताएंगे, बट जो भी है दो बंदे हमेशा बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब बाद में बताएंगे, एक बंदा ड्रॉप करेगा वो सब बकचोदी, ठीक है, जो भी ठीक है
सराबिया जो एम्बापे बन जाएगा कोई बड़ी बात नहीं, जो मार्किनियस परप्लेक्स्ड है, मार्किनियस परप्लेक्स्ड है कि ठीक है कोई ड्रॉप नहीं करे, ठीक है विटिनिया तो ड्रॉप करता, ठीक है ड्रॉप करता, ये बेसिकली पीएसजी ने बहुत बड़ी ट्राई करते, दिस इज मूवमेंट, दिस इज ऑफ द बॉल मूवमेंट जिससे तुम स्पेस ओपन अप करते हो, ठीक है विटिनिया आता है वो ड्रॉप करता है, सिसोको के सामने आती है, सामने आ गया उसके, अब सिसोको को ऑब्वियसली फॉलो करना पड़ेगा, वो करे मुड़ जाता वापस, मुड़ गया भोजपुरी का बिना बॉल टच करे मुड़ गया, और ये 5-6 बार यूएस गेम, मैंने कहा ये क्या पक्षी है, ये जामुस क्यों रहे, क्या हो रहे हैं, बट बेसिकली वो ऐसी चीजें करके, ऐसे स्लीक नुआंसेस कर करके हर एक प्लेयर, कभी नेमार कर रहा है, कभी मोस्टली नेमार विटिनिया ज्यादा मोबाइल थे, ये अपने मार्कस के सामने आ रहे हैं फिर वापस मुड़ जा रहे हैं, तो बेसिकली हल्का सा टाइम बैक करें ताकि डिफेंडर्स और बॉल ड्रिबल कर पाए। तुमको पिछली वीडियो में मैंने क्या भौंका था, पीएसजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि दे रश इनटू पासेस, उनकी सेंटर बैकलाइन बॉल होल्ड नहीं करती, दे डोंट कैरी द बॉल इतना, कैरी, अगर मैं इस गेम से एक वर्ड निकालूंगा मैं बोलूंगा कैरी, पीएसजी नाउ कैरी द बॉल मोर, आई नो ये वीडियो काफी रेड पिल साउंड कर रही है, बहुत रिएक्शनरी है एक गेम के बाद में, बट करने दो ना भयंकर बच्चों भी बच्चों दिए, मेसी ड्रॉप कर, मेसी बोला रामोस कैरी कर, हैंड जेस्चर दिख रहे हैं कैरी कर, कर आगे आ गया, क्यों, क्योंकि अगर आ गया वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस हो गई कम, ठीक है अब ये नहीं है, अब बिल्कुल कॉम्पैक्टनेस कम है, क्योंकि हर कोई डिफेंडर्स आगे ड्रिबल कर रहे थे, मैं नहीं चाहूंगी मेसी भी ड्रॉप कर जाए, वो भी डिफेंडर्स आ गएंगे ना, हाईलाइन रखनी है, क्यों, क्योंकि अगर अब बॉल लूज करी तो देखो अब सब कौन, हर कोई पास है, जब अगर वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस डिफेंडर्स आगे ला रहे हैं विद द बॉल, क्योंकि डिफेंस और ऑफेंस लिंक्ड है ना, अगर मैं जैसे बिहेव कर रहा हूं विद द बॉल, मेरे इंप्लीकेशंस विदाउट द बॉल की भी वही सेम होंगे, वही सेम लूप है, साइकिल है, सब कुछ कनेक्टेड है, पॉइंट वो नहीं है, अगर ये आ गया सारा और यहां पे मिस पास होगा तो बेसिकली टीम इज क्लोज नट इनफ टू रिएक्ट, पीछे सराबिया प्रेस मार देगा, फिर लॉन्ग बॉल रश कर दिया और वो बॉल जीत गई, वो सब बकचोदी, तुमको पता है। पीएसजी मुझे काफी पेशेंट लगी, नॉट नेसेसरी कि ज्यादा पासिस कर रहे, नहीं, दे वर जस्ट पेशेंट अपने डिसीजन मेकिंग में, दे वर नॉट रशिंग, एंड आई थिंक वो पॉसिबल था क्योंकि फॉरवर्ड लाइन के बंदे, हर कोई ब्लेम करता है बैकलाइन को कि बैकलाइन से बॉल चलती नहीं, बैकलाइन से बॉल चलती, दैट्स नॉट द पॉइंट, बैकलाइन से बॉल तब चलेगी जब फॉरवर्ड लाइन के बंदे, फिर मिडफील्डर्स या बिटवीन द लाइंस वाले बंदे, वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, वो उनके लिए क्या कर रहे हैं गेम का, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई बंदा डिफेंडर पे प्रेस करने जा रहा है तो पीछे गुद्दी को देखते जा रहा है कि किसको, मेस्सी है मेरे पीछे, ये मेस्सी को कैसे छोड़ देगा, ये मेस्सी को कैसे छोड़ देगा, इसका काम है इसके मैनेजर से गांड मार लेगा, क्योंकि प्लान तो क्लियर है ना, मेस्सी मूव नहीं कर रहा, नॉन के मैनेजर ने प्री मैच बोला कि भाई मेस्सी पे बॉल ना आने पाए, सिंपल है, तो तब भी कैसे आ रही है, या तो जो बॉल कैरियर है जिसके पास बॉल है, जैसे कि वेराती ने करा था, और सो विटिनिया इस केस में देखो, यहां पे क्या कोई तुक बनता है मेस्सी को बॉल देने का, कोई तुक ही नहीं बनता, बैक पास दे आगे बढ़ गांड मारा आपने, बट विटिनिया बोलता फक दैट मैं कैरी करूंगा, बंदों को काट के मेस्सी को वहीं पे, मेस्सी हिला नहीं, मेस्सी टस से मस नहीं हुआ, वहीं पे बॉल फीड करी, इट सेज अ लॉट की ब्रेवरी विद द बॉल, विच इज वेरी एंटी गाल्टियर, गाल्टियर काफी डिफेंसिव 4-4-2 रहा था, वो सब बकचोदी प्रैग्मेटिस्ट, बट वो तो कति फ्रीडम दे रहा है भाई, बट विद ए कॉन्टेक्स्ट कि सब वर्टिकली कॉम्पैक्ट होंगे, बॉल के बाद रिएक्ट करना, मेस्सी तेरे को भी करना पड़ेगा, सॉरी 35 का है नो बैलेंडर वर्सेस बट तो करना पड़ेगा, नेमार तो डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर, आई लाइक द स्ट्रक्चर पीएसजी का, ऑब्वियसली में काफी मिस्टेक्स हैं, टाइम लेगा, उन्होंने 6-7 शॉट्स कंसीड करते बॉक्स में, थोड़ी लॉन्ग बॉल्स हाई लेंथ वो सब बक्तों को पता है, मुझे नेसेसरी मजा नहीं आ रहा रामोस को राइट पे देख के, आई थिंक रामोस सेंटर ही ज्यादा अच्छा लगता है, बट जो भी पॉइंट रामोस ने गोल मार दिया भैंस, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बैलेंस है बिटवीन डिसिप्लिन की, दो बंदे बिटवीन द लाइन रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेस्सी इस केस में ड्रॉप करके, ठीक है नेमार और विटिनिया बिटवीन द लाइन्स, ठीक है मेस्सी बॉल पास करके जो भी बक्स होती है आगे बढ़ता है बिटवीन द लाइन्स, नेमार चेक करता है, स्कैन मारता है मेस्सी को, ठीक है अब नेमार ड्रॉप कर रहा है, ये चीजें बिल्कुल रीड हो रही है पिच पे, तुम स्कैनिंग हो, कम्युनिकेशन हो कि भाई तू रुक जा मैं जा रहा हूं, अल्टीमेटली जो बिटवीन द लाइन्स है उनको ढूंढना है, उनको खोजना है, तो दो टेक्निकल प्लेयर्स को अगर मैं खोजना चाहूंगा जिनमें से विटिनिया नेमार मेस्सी होंगे, फिर इट वॉज इंटरेस्टिंग, वेराती और मेस्सी का कॉम्बिनेशन इज पैरामाउंट, वेराती बेसिकली हर टाइम पे स्कैन मारता है मेस्सी का कि मेस्सी कहाँ है, मेस्सी कहाँ है, मेस्सी कहाँ है, एंड बेसिकली सर्टन चीजें टैक्टिक्स से परे होती है, सर्टन, अब जिसकी नेमार की इवली बॉल क्या करूं उसका, मैं क्या करूं, शेयर क्वालिटी, शेयर केमिस्ट्री, ट्रेनिंग पिच वाली बकचोदी, यू कांट, मैं इस पर टैक्टिक्स लगाना चाहूंगा नहीं, मैं इसमें बकचोदी एनालिटिकल लगाना चाहूंगा, मैं इस फ्रेंडशिप को किल नहीं करना चाहूंगा, दिस इज फुटबॉल, तो मैं इसको किल नहीं करना चाहूंगा, तो सर्टन थिंग्स यू डोंट वांट टू डिफाई इवन इफ यू कैन, अब वेराती ऑब्वियसली वन टेस्ट में मेस्सी को बॉल खेल रहा, तो यू कांट, यू डोंट वांट केमिस्ट्री, कम ऑन केमिस्ट्री, तो बेसिकली केमिस्ट्री पे टीम तो तुमको अगर चलने पे आ गई, अगर मेस्सी नेमार डुओ चलने पे आ गया, दे किल यू इन द स्ट्रीट्स, दे किल यू इन, देर इज नो डुओ बेटर, आई वुड से
इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कॉम्बिनेशन, एंगल्स ऑफ पासेस, रन्स इन बिहाइंड, सब कुछ। फिर वराती जैसे काम बंदा तुम अगर ले आओ पिच पे, जो कती बॉल ऐसे पिच, नहीं यार नहीं, चीजें खराब, चीजें गलत हो जाती हैं, चीजें गलत हो जाती हैं। एंड बेसिकली ये पीएसजी टीम मैं कितनी हाइप करता हूं, मैं मेरे को पैसे दे रही है पीएसजी बहन जो, मैं भौंकता कहता हूं। बट बेसिकली पॉइंट है दिस 3-4-2-1 विदाउट द बॉल, हमने बात करी नहीं, तुमको स्ट्रक्चर पता है, बिल्कुल पेंटागन बन जाता है, काफी नैरो, नेमार प्रेस करेगा, उसका बाप भी करेगा, करना पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर नेमार का मूड नहीं करा प्रेस करने का, अगर नेमार विंग फुलबैक को भूल गया प्रेस करना, तो नूनो मेंडेस जो विंग बैक है वो चढ़ जाएगा, और बैक फोर तब भी मेंटेन्ड है, तो बैक फाइव की स्ट्रेंथ है, क्योंकि पूरी बैकलाइन शिफ्ट कर गई उधर से, तुमको पता हो सकता, तो जो राइट बैक है वो हकीम हो गया। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेंथ लगी मुझे, तो इसमें ऑपरेंट्स को स्विच मारना पड़ेगा, और अगर स्विच मारे तो पीएसजी खत्म हो सकती है, जो काफी बार हुआ था कभी कभी, जो तुम फोर्स भी कर रहे हो। सेम इंटेंसिटी का सीन है, अगर इंटेंसिटी पे गेम चल गई विदाउट द बॉल पीएसजी निकल जाएगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, एंड नहीं भी चलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि चैंपियंस लीग में थोड़ा लेवल टफ होता है, नॉन थ्रिलन टीम थी, ठीक है, बट आई लाइक द सर्टन प्रिंसिपल्स, ये टीम कैरी करना चाहती है बॉल को, वो सब बकचोदी तुमको पता है, भाग चुको। खैर मैं बहुत भौंकता हूं, माई गॉड, बट पीएसजी